हैं हुंसडी का रिएक्शंस। हे क्या रिएक्शंस, पहले लिखी है इसके बारे में। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कन्वर्ट इन अल्काइल हैलाइड कॉल्ड हुंसडी का रिएक्शन। आसान भाषा में आपके पास RCO2Ag है, आपने Br2 के साथ रिएक्शन कराया, सॉल्वेंट CCl4 ले रखा है आपने, आपको AgBr मिला, AgBr मिला और आपको क्या मिलेगा, CO2 मिला और क्या मिला आपको, RBr मिला। ये RBr मिलना ही आपके लिए रिएक्शन है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड मिलना ही आपके लिए मेन पॉइंट था, तो हमारे को यहाँ पर RBr देखने को मिला है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म किस तरह से हो रही है इसको देखते हैं अपन। तो वापिस आते हैं मैकेनिज्म, CCl4 के अलावा वो सारे सॉल्वेंट लिए जा सकते हैं जो नॉन पोलर हो बस, लेकिन हम इसके लिए स्पेशली CCl4 ही लेंगे। हाँ, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, R सबसे पहले हमारे लिए क्या हो रहा है, Br2 है जो फ्री रेडिकल बना रहा है, ट्वाइस Br डैट बना लेने दो। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, RC डबल बॉन्ड OAG जो कि इस Br डॉट के साथ AgBr बना के साथ में RC डबल बॉन्ड OO डॉट बना रहा है। उसके बाद RCO2 ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, R डॉट प्लस CO2। ये R डॉट Br डॉट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, RBr। ये पूरी हमारी रिएक्शन है। तो फाइनली हमारे को क्या देखने को मिलेगा, वही AgBr CO2 RBr इन प्रोडक्ट साइड। तो इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल क्या बनेंगे, ध्यान से देखिए, आपने ले लिया CH3CO2 Ag प्लस Br2 और CCl4, तो आपको CH3Br मिलेगा, C2H5CO2Ag ले लिया आपने Br2 के साथ CCl4, ये सारी रिएक्शन आपके लिए हुंसडी का रिएक्शन होगी, C2H5Br, और इन सब में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को आपको मिलेगी, लिखे इनको। तो अभी हम हमारे दिमाग में ये था, क्या हेलो एल्केन इससे बनाई जा, हेलो एरीन बनाई जा सकती है, एल्केन तो बना ही रहे हैं अपन, हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन का मतलब हेलोजन और एल्केन। तो हम अगर हमें बेंजीन रिंग लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिल्वर बेंजोनोइट हमें लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड का सॉल्ट हो गया Br2 CCl4 और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, हेलो एरीन, एरीन इस ग्रुप को बोलते हैं या फिनाइल बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं ब्रोमो बेंजीन। तो हमारे पास बाकी क्या बन रहा है, CO2 और क्या देखने को मिलेगा, AgBr। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास जो निकल के आ रहे हैं वो ये है, पहला इन अबव रिएक्शंस Cl2 एंड Br2 कैन यूज फॉर हैलोजिनेशंस,
यानी कुल मिला के आसान भाषा में ये भी हो सकता है कि F2 एंड I2 हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि F2 हाईली रिएक्टिव है और I2 यहां पर एस्टर फॉर्म करता है। F2 इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव स्पीशीज, अनकंट्रोल फॉर्म में रहेगा, और I2 जनरेट एस्टर इन अबाउ रिएक्शंस। लिख लीजिए पूरे पॉइंट्स।